हेलो मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। फ्रेंड्स अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में बात करने वाले एक नए एप्लीकेशन के बारे में, जिसको यूज़ करके आप लोग पबजी लाइट, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर जैसे गेम आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड एंड माउस से खेल सकते हो। जी हाँ गाइस, कीबोर्ड एंड माउस से खेल सकते हो, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ। यहाँ पे पांडा उस प्रो पे मैंने बहुत सारे एक्टिवेशन रिलेटेड वीडियो बनाए, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं दिखा तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एक्टिवेशन का ट्रिक मैंने दिया है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैंने उसमें बताया कैसे आप लोग पांडा उस प्रो को एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है कीबोर्ड एंड माउस से खेलने के लिए, जो भी बैटर ग्राउंड गेम्स अपने मोबाइल में। ठीक है, बट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक नए एप्लीकेशन के बारे में, साथ ही इसके पहले बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया है, तो अगर आप लोगों ने देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक ऐसा एप्लीकेशन जिससे को यूज करके आप लोग अपने कीबोर्ड एंड माउस से आप लोग खेल सकते हो फ्री फायर अपने मोबाइल में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एंड बहुत सारे लोग बोले थे भाई न्यू एप्लीकेशन लेके आओ, तो सो आपका भाई आपके लिए एक नया एप्लीकेशन लेके आया है। एक चीज और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद आपको बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जो भी मैंने न्यू वीडियो बनाया उसका नोटिफिकेशन, जो भी मैं नई वीडियो बनाया उसका एप्लीकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो इतना तेज क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए इतना तेज बोल रहा हूँ ताकि वीडियो बोरिंग ना हो। ठीक है, जल्दी से हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग को जो भी वीडियो है वो वीडियो टाइम टाइम से मिलता रहे, एंड आप लोग भूलो ना सब्सक्राइब करना। ठीक है, साथ में गाइस यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में टारगेट रखा था लाइक का, 50 लाइक्स बोला था, बट आप लोगों ने 100 लाइक्स क्रॉस कर दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिल से खुशी हो रही है। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते अगेन 50 लाइक्स, एंड आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, एंड जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई आईडी परचेस करनी है, मैं एक आईडी सेल पे लगाया हूँ। ठीक है, अगर आपको आईडी कोई परचेस करनी है जो कि बहुत ही ओपी आईडी, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत ज्यादा बकवासबाजी होगी, अभी आते मेन मुद्दे पे कि कैसे आप लोग कौन सा एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप लोग फ्री फायर खेल सकते हो, कौन सा न्यू एप्लीकेशन है ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, जिसकी मदद से आप लोग फ्री फायर अपने कीबोर्ड माउस से अपने मोबाइल में खेल सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटी सी इंट्रो के साथ। एप्लीकेशन का नाम है गीक गेमर। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन देखते आप लोग चले आना डाउनलोड करने। ठीक है, इसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ आपको समझना पड़ेगा गीक गेमर के बारे में। एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा इस आईडी आपका इसे बैन हो सकता है कि नहीं, फ्री फायर आईडी जो है इसे बैन होने का डर है कि नहीं, पूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी काम कैसे करता है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होने वाली सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो क्योंकि बहुत ज्यादा ओपी वीडियो होने वाले। ठीक है, ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मुझे ढूंढने के बाद मिला, इसका डाउनलोड मेरे को नहीं मिला था। ठीक है, तो मैंने प्ले स्टोर पर सर्च कर मुझे मिल गया। ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग, आप इसको प्ले स्टोर पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा गीक गेमर, आपको सर्च करना है। ठीक है, जाकर GEEK गीक गेमर। ठीक है, आई होप मैंने स्पेलिंग सही बोला है। ठीक है, तो आप इसको जाकर प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, प्ले स्टोर पर सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने वाली एप्लीकेशन आपको कुछ इस टाइप का दिखने वाला, देख सकते हो आपके फ्रंट स्क्रीन पर बहुत देर से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ टाइप इस टाइप की एप्लीकेशन दिखने वाला है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है गीक गेमर को सिंपली आपको ओपन करना, जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा फ्रंट पेज पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको एग्री करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये बात और बता, ये चाइनीज ऐप है। ठीक है, एंड ये जो ऐप है आपके मोबाइल में, मतलब हो सकता है कि कोई हार्मफुल कर सके, क्योंकि मैंने बहुत दिन से इसको यूज नहीं किया, बट मुझे जितना लगता है ये कोई हार्मफुल नहीं करेगा आपके मोबाइल को, बट आप इसको एग्री कर सकते हो। ठीक है, बट टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, बट मैं यहाँ पे एग्री कर देता हूँ। ठीक है, एग्री करने के बाद सिंपली इसको ओपन कर देता हूँ, एंड सिंपली आप इसको एग्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब यहाँ पे एग्री करो तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ चीज़ें इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये आपका एंड्रॉइड 12 में काम नहीं करेगा, तो अगर आपका डिवाइस एंड्रॉइड 11 है, एंड्रॉइड 11 के नीचे जितने भी सारे डिवाइसेस हैं उसमें काम करेगा। ठीक है, एंड्रॉइड 11 में जितने भी उससे नीचे डिवाइसेस हैं, एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 8, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, इन सारों में काम करेगा। बट जिनका एंड्रॉइड 12 हो गया ना, उनके मोबाइल में ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखो नीचे लिखा नोटिस, नोट्स ऑन एंड्रॉइड 12 सिस्टम क्लिक टू व्यू। यहाँ पे लिखा डू नॉट अपग्रेड दी एंड्रॉइड 12 सिस्टम, क्लिक टू व्यू द डिटेल। ठीक है, यहाँ पे एंड्रॉइड 12 आप इसको नहीं मतलब वो कर सकते, मतलब अगर आपका जो है डिवाइस एंड्रॉइड 12 पर रहेगा, क्योंकि उसमें हाई सिक्योरिटी होती है, एंड इस आपको वो अथॉरिटी नहीं मिली कि उसमें एन कर रन करे। ठीक है, एन नहीं करे, रन करे। ठीक है, एंड जो आपका मोबाइल है, ठीक है, उस मोबाइल में ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, रन करने के लिए, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे एंड्रॉइड 12 में अपग्रेड नहीं करना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे देख नीचे इस तरह का कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी एक्टिवेशन का कोई चेंज मतलब डर नहीं है, कोई एक्टिवेशन का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बंदे जो है परेशान है गाइस कि मेरा पांडा माउस प्रो में काम नहीं करता, वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस ले लिए, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ओपी ऐप है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐप, बढ़िया ऐप है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें आईडी बैन होगी कि नहीं आपकी फ्री फायर की। ठीक है, तो इसमें आपकी फ्री फायर की आईडी बैन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे देखो ऐड गेम पे क्लिक किया, ऐड गेम पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप स्लाइड करोगे, स्लाइड करने के बाद सिंपली आपको जो गेम है वो ऐड कर देना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ फ्री फायर। ठीक है,
देखो यहाँ पे फ्री फायर ऐड हो चुका है, ठीक है। फ्री फायर ऐड होने के बाद आपको अपना कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखो कीबोर्ड एंड माउस जब आप इसमें कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे सिंपली जो नॉर्मल कीबोर्ड एंड माउस है, जिसे हम लोग बोलते हैं वायर्ड कीबोर्ड एंड माउस, वो इसमें कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर आपको देखो लिखा होगा कनेक्ट कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा कनेक्टेड डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे डिवाइस डिसकनेक्टेड वाले ऑप्शन पे सबसे पहले नंबर पे, तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ ऑप्शन ऑन करोगे, ठीक है। तो जो आपका ब्लूटूथ वाला है या बोल सकते हो जो वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस है, वो आपका यहाँ पे सिंपली सर्च होगा, ठीक है। ब्लूटूथ डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे या फिर वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपका अपना मेन कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, जो कि वायर्ड कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग बेस्ट कीबोर्ड एंड माउस लेना चाहते हो एकदम बजट के अंदर, मैंने बेस्ट कीबोर्ड एंड माउस बताया जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी एंड बहुत ही चीप क्वालिटी, मतलब चीप प्राइस में बेस्ट क्वालिटी का मैं प्रोडक्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, सिंपली अमेजन से जाकर परचेज कर सकते हो। यूएसबी हब का या जिसका भी आपको चाहिए, वो सारे का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर परचेज करो। मैं क्यों बोल रहा हूं वहां से परचेज करने के लिए, दो रीजन है, थोड़ा मोटा मेरा भी फायदा हो जाएगा, बट दूसरा रीजन ये है कि आपको वहां से सही प्रोडक्ट मिलेगा, जिसकी मदद से आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे पांडा माउस प्रो से हो चाहे किसी और अदर एप्लीकेशन से हो, ठीक है। जितने बंदों ने वहां से परचेज किया, बहुत सारे बंदों ने परचेज किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते भाई मैंने परचेज किया है आपके लिंक से, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। बस एक्टिवेशन का दिक्कत हो रहा था, जो कि अलग प्रॉब्लम है एप्लीकेशन का, बट कीबोर्ड एंड माउस से रिलेटेड या फिर किसी और से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे पास जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड गाइस 2 साल से मैं चला रहा हूं एंड अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग जाकर नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज लिंक है, सिंपली वहां से अमेज़न पे क्लिक करके कीबोर्ड माउस या मेरा गेमिंग जो माउस है उसमें अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो जाकर परचेज कर सकते हो, जो कि RGB एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बट इस ऐप के लिए आपको चाहिए वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। यहाँ पर सिंपली वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस यहाँ कनेक्ट करोगे, सिंपली कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली कोई चीज नहीं सेटिंग कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप गेम को ओपन करोगे, ठीक है। यहाँ पर फ्री फायर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंटर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फ्री फायर ओपन होगा, ये मेन अकाउंट आपका ओपन होगा, डायरेक्टली जो आपका मेन फ्री फायर है वो ओपन होगा। ये सिंपली आपका जो है पांडा माउस प्रो की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मेन फ्री फायर आपका ओपन होगा, ठीक है। एंड ये मेन फ्री फायर ओपन होगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये इसका आइकन दिया हुआ है, मैंने कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट नहीं किया, देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा डिवाइस डिसकनेक्ट, ठीक है, यहाँ पे डिवाइस डिसकनेक्ट लिख रहा है। एंड यहाँ पे आप डिवाइस जैसे ही कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, ये आपका फ्री फायर जो है जैसे पांडा माउस प्रो का आता है वैसे पांडा माउस प्रो की तरह इसमें भी आ जाएगा। सिंपली इसमें क्लिक करके आपको की मैपिंग करनी है, की मैपिंग करने के बाद सारा सेटिंग करना है, सारा सेटिंग करने के बाद सिंपली आप इसमें कीबोर्ड एंड माउस से खेल सकते हो, ठीक है। एंड इससे आपका आईडी बैन का कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है, मैं ये आपको बता दूं। बट ये डिवाइस के लिए हार्मफुल हो सकता है क्योंकि एंड्रॉइड 12 में अलाउ नहीं करता, मतलब कोई बात जरूर होगी, ठीक है। अगर इसके बारे में मुझे कोई और बात पता चलती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। इस एप्लीकेशन को यूज करो जिनके पास वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस है, कनेक्ट करो, खेलो इससे, खेल के हमको हो सके तो एक दो गेम प्ले मुझे भेज देना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, मैं आपके नेम से, ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूंगा कि इन भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा है, ठीक है। चाहे यूट्यूबर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल तो उसके द्वारा आपका यूट्यूब चैनल भी प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। इस एप्लीकेशन को यूज करके आप वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस को यूज करके सिंपली प्ले करो, प्ले करके मेरे पास एक वीडियो भेज सकते हो, वीडियो क्लिप, ताकि मैं और लोगों को भी दिखा सकूं एंड साथ में आपका भी चैनल प्रमोट कर सकूं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं जल्दी सब्सक्राइब करो, 4000 की फैमिली कंप्लीट कर दिए, हमारे पास सिर्फ 28 डेज और बचे हुए, तो देखते हैं गाइस क्या होता है, ठीक है, कंप्लीट हो पाता है कि नहीं 4000 की फैमिली, ठीक है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।